अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ गुजराती मठरी। उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। 2 कप मैंने मैदा ले लिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 चुटकी कलौंजी, 1 टीस्पून सॉल्ट और 3 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड करके इसको मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि इसकी एक मुट्ठी भर बन जाए। इसको इसी तरह मैदे और ऑयल को यकजान कर लेना है, ये ऐसे एक मुट्ठी बन जाए। अब इसमें 1/2 कप पानी डाल के मैं इसकी हार्ड डो बना लूँगी। डो रेडी हो चुकी है, मैं इसको 1/2 घंटा के लिए फ्रिज में रख दूंगी। 1 बर्तन मैंने 2 टेबलस्पून लिया है घी, उसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 1 टेबलस्पून मैदा ऐड करके एक मिक्सचर बना लूंगी। मिक्सचर बन चुका है। अब मैं उस डो को 2 पोर्शन में डिवाइड कर लूँगी और इसकी एक बड़ी सी पतली सी रोटी बना लूँगी। जी ये देखें, ये बड़ी सी एक रोटी बन चुकी है। अब इसके ऊपर मैं वो घी और मैदे का मिक्सचर लगा दूँगी। मिक्सचर लग चुका है, अब मैं इसको फोल्ड कर दूंगी। याद रहे कि इसको ज़रा टाइटली फोल्ड करना है। फोल्ड हो गया है, अब मैं इसको कट कर लूंगी। जी कट कर लिया है, ये देखें इस तरह, और इसकी सारी लेयर्स देखें किस तरह नज़र आ रही हैं। अब इनको मैं छोटी छोटी रोटियों में बेल लूँगी। जी ये देखें इस तरह बेल लिया इसको। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी लगाऊंगी। अब इसको फोल्ड किया, फिर इसके ऊपर ये पानी लगाया, फिर इसको फोल्ड किया। अब आप फोक की मदद से इसको प्रिक कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्रिक ना किया तो ये बहुत ज़्यादा फूल जाएगी, क्योंकि हमें ऐसी नहीं चाहिए। अगेन वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। छोटी सी रोटी बनाई, उस पर पानी लगाया, फोल्ड किया, अगेन उसको फोल्ड किया और उसको प्रिक कर देंगे। इसी तरह सारे मैदे की बना लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। जी ये देखें इस तरह बन जाएगी, सारी बना ली हैं। अब इसको फ्राई कर लेंगे। ऑयल मैंने लिया है 2 कप, इसको मीडियम टू स्लो फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक पक जाएँ और क्रिस्पी भी हो जाएँ। अगर डो हार्ड होगी तो ये क्रिस्पी बनेंगे, अगर डो सॉफ्ट बनेगी तो ये भी सॉफ्ट बनेंगे, लेकिन हमें इधर क्रिस्पी खस्ता चाहिए। याद रहे कि फ्लेम
फ्लेम बिल्कुल स्लो, मीडियम टू स्लो होनी चाहिए, हाई पे ये नहीं करेंगे अंदर से कच्चे रह जाएंगे। एक तरफ से हो गए, अब इसकी साइन चेंज कर लेंगे। ये देखें मज़ेदार सी गुजराती मठरी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर चाट मसाला और रेड चिली पाउडर स्प्रिंकल कर दूंगी, क्योंकि उससे ये बहुत ही मज़े का से स्पाइसी सा टेस्ट आएगा। आप चाहें तो आप सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने इसमें ऐड किया था इसलिए मैं ऊपर से नहीं डाल रही जी। तो ये देखें गुजराती मठरी तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।